मथुरा जमुना पार पुलिस द्वारा राया मंडी से 370 बोरी धान ट्रक में लोडकर अन्य जगह बेचने वाला शातिर अपराधी किया गिरफ्तार। कब्जे से एक केंटर ट्रक, 2.50 लाख रु शून्य नकदी, 100 बोरी धान व एक तमंचा 315 बोर का किया बरामद। देखिए, जमुना पार थाने में 31 अक्टूबर को मुकदमा पंजीकृत किया गया था 420/23, 406/420 का। उसको पुलिस ने वर्कआउट करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके निशादेही पर जो हमारा जो सामान गायब हुआ था, इसमें हुआ था कि एक व्यापारी हैं, आढ़त के व्यापारी हैं, उनको उन्होंने अपना सामान हरियाणा भेजने के लिए ट्रक बुक किया था। तो जो ट्रक बुक किया था, वो ट्रक का ड्राइवर और मालिक एक ही है, उसने बुक करा करके हरियाणा वहाँ नहीं गया, बीच में ही उसने उनके साथ जालसाजी करके कोई जगह किसान होकर के भेज दिया। वो वर्कआउट करते हुए जो उसमें सामान था, लगभग 100 बोरी धान बरामद हुआ है, और जो उन्होंने बेचा है वो पैसा 2.5 लाख रुपया के 2.5 लाख बरामद हुआ है। इसमें एक अभियुक्त जो सोनू है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसमें घटना में कुल तीन अभियुक्त हैं, एक सोनू है जो पकड़ा गया है, और इसका भाई है रोहित, तो एक लड़का है शेर प्रताप जो इटाक रहने वाला है। इसमें दोनों गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। जो हमारी टीम है वो SHO जमुना पार की टीम ने इसमें गिरफ्तारी किया है। ये जो ट्रक है उसमें उसने जो फर्जी नंबर प्लेट से चलाता है और चेसिस नंबर भी वो मैनिपुलेटेड है, तो उसके हिसाब से सुसंगत धारा की इसमें बढ़ोतरी की गई है। ये अच्छा गुड वर्क उन्होंने किया है, इसके लिए SSP महोदय ने इनको जो टीम है उनको नगद इनाम की भी घोषणा की है। थैंक यू।